बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इस्लामी बहनों, आपकी खिदमत में एक बहुत नादर मुजर्रब नुस्खा हाजिर है। वो मेरी बहनें जो अपने खामन से खुश नहीं हैं, वो इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपका खामन, आपका शौहर, आपका जानी इंशाल्लाह राह रास्त पे आ जाएगा और आपको खुश रखेगा। ये आयत मुबारका है, यह सूरा अलमायदा की है। पारा नंबर 7 है, आयत नंबर 100 है। आयत मुबारक ये है, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ कसरात हबीस फ़त्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये ऐसी मुजर्रब आयत है, अगर किसी का खामद किसी दूसरी औरत से नाजायज़ ताल्लुकात रखता हो, बीवी को शक हो इससे शायद किसी और जगह गैर मुनासिब ताल्लुकात हैं, या हराम की कमाई घर में लाता हो, तो उसे इससे बात रखने के लिए आप 11 दिन तक इस आयत पाक को 141 मरतबा किसी खाने की चीज़ पर पढ़कर दम करके खिलाएं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। चीनी ले लें, जो चीनी हम चाय वाय में डालते हैं उसका इस्तेमाल कर लें, और मिठाई खिलाएंगे तो उनको शक भी पड़ सकता है, मिठाई क्यों खिला रही है आज मुझे। तो बेहतरीन यह है कि चीनी पर पाल लें। ये आपने अमल 11 दिन करना है, हर रोज़ 141 मरतबा, यानी उसी चीनी के ऊपर आप हर रोज़ इस आयत पाक का दम करना है, और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 5 वक्त नमाज फ़र्ज पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद के हसूल के लिए दुआ भी करनी है, या अल्लाह मेरे खावंद को हदायत अता फरमा, राह रास्त पे ला, उसको मुझसे मोहब्बत अता फरमा और नेक बाई करने की उसको तौफीक अता फरमा। व आखिर दामाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर।